नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली मुख्यतः वेदों पर आधारित थी। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता था। यह श्रुति परम्परा के ग्रंथ थे, यानी कि इसमें कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेदों की ज्ञान दिया जाता था। वेदों की संख्या चार है, जिसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। सबसे पहले वैदिककालीन शिक्षा के हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरित्र पर आधारित थी। अच्छे संस्कारों का विकास हो, ब्रह्मचर्य सदाचार, वजनहित, बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कारित बनाया जाता था। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना होता था, जिसमें आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जा सके। छात्रों को अपने कार्यों में स्वतंत्रता दी जाती थी, जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकें। अत्यधिक कुशलता की उन्नति करना, आध्यात्मिक कुशलता की उन्नति करना। आध्यात्मिक कुशलता की उन्नति के संबंध में अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन पर आधारित है। वह सामाजिक व्यवस्था के संगठन, नियोजन, संचालन से संबंधित है। वैदिक युग में छात्रों के सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाने की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात वे पारिवारिक जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे तथा राष्ट्र के उत्थान में अपने सक्रिय भूमिका अदा करते थे। माता पिता, बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा, सत्कार, दून दुखियों की सहायता सिखाई जाती थी। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना, वैदिक युग में मानव जीवन को धार्मिक भाव से ओतप्रोत परंतु अत्यधिक सरल स्वभाव, एक पवित्र रहने का प्रयास किया जाता था। मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त किया जाता था। छात्र अपने चित्तवृत्तियों का निरोध करते थे, उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। मन पर नियंत्रण करने पर विशेष बल दिया जाता था। आत्मा की पवित्रता, धार्मिक भावना का विकास महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना, राष्ट्रीय संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, सांस्कृतिक गौरव को फैलाना शिक्षा संस्थानों का उस समय का मुख्य कार्य था। नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, छात्र ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति भक्ति उत्पन्न करके उसमें उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना महत्वपूर्ण था। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में चार पुरुषार्थ पाए जाते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक उच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। वैदिककालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता था। गुरुकुल में प्रवेश के साथ ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। उस समय की शिक्षा व्यवस्था में चार आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्ति के पश्चात विवाह संस्कार होता था और इसके बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसके पश्चात वानप्रस्थ और क्रमशः संन्यास आश्रम आता था। शिक्षा पद्धति के दौरान ब्रह्मचारी के रूप में उसका जीवन जीना होता था। वैदिककालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की तरफ हम चलते हैं। वैदिककालीन शिक्षा शैक्षिक स्वायत्तता को प्राप्त थी, उसमें कोई बंधन नहीं था। गुरु अपने अनुसार पाठ्यक्रम और अनुशासन के नियम तय करते थे। वह अपने अनुसार ही किसी शिक्षार्थी को परीक्षा के उपरांत ही गुरुकुल में प्रवेश सुरक्षित करते थे। कोई बाह्य दबाव शिक्षा व्यवस्था पर नहीं थी। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक और निःशुल्क थी। छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था और उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। उनकी व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ शास्त्रों के अध्ययन को भी महत्व दिया जाता था, जितना कि उनके जीवन कौशल के लिए उनके सामाजिक अनुशासन आवश्यक हो। उनके आचरण पर भी उतना ही बल होता था जितना कि उनके बाह्य आचरण पर। वैदिककालीन शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुगृह में निवास करना अनिवार्य होता था।
विद्या अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार के संस्कार उसको दिए जाते थे, और हम लोग शिक्षा के संस्कारों के बारे में बात करते हैं। बालक की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारंभ संस्कार के साथ होता था, जिसमें बालक को घर पर ही विद्या के प्रारंभिक स्तर पर बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता था। इसके साथ साथ उसे सामान्य गणित सिखाया जाता था। इसके पश्चात वर्णानुसार क्रमशः ब्राह्मण वर्ण के बालक को 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ण के बालक को 11 वर्ष और वैश्य वर्ण के बालक को 12 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार किया जाता था, और उपनयन संस्कार के साथ ही उसका गुरुकुल में प्रवेश होता था। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, अर्थात इसमें बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था, जिसमें उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक को द्विज कहा जाता था, अर्थात बालक का दूसरा जन्म हुआ है। इसके पश्चात बालक गुरुकुल में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। इसके बाद उसे अंतेवासी या ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक मेखला और दंड धारण करते थे, जो उसे ब्रह्मचर्य की याद दिलाते थे। इसके पश्चात गुरु उसके चारित्रिक और आंतरिक परीक्षा में उसे सफल होने पर ही उसका वेदारंभ संस्कार करता था। संयमित जीवन की परीक्षा के उपरांत वेदों का अध्ययन वह कर पाता था। इसके बाद वह 12 वर्षों के लिए किसी एक वेद का अध्ययन कर सकता था। एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगते थे। 12 वर्ष के पश्चात उसका केशांत संस्कार होता था, जिसमें उसका सिर को मुंडन करा करके स्नान कराया जाता था, और वह मंत्रोच्चार के साथ इस संस्कार को पूर्ण करता था। वेद अध्ययन को पूर्ण कर लेने के पश्चात वेद पुराणों और विभिन्न विषयों में जब उसकी पारंगतता हासिल हो जाती थी, तब यह संस्कार किया जाता था और उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके पश्चात बालक का समापवर्तन संस्कार होता था, जिसमें गुरुकुल से उसकी विदाई होती थी। इसके पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था, जो विवाह संस्कार के द्वारा होता था। इस संस्कार के पश्चात वह मेखला और दंड का त्याग कर देता था। वर्तमान समय में यह दीक्षांत समारोह के समान ही होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 14वां संस्कार समापवर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंतिम संस्कार, जिसे हम दाह संस्कार के नाम से जानते हैं, होता है। वैदिककालीन शिक्षा के अब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की विधाएँ सामने आती हैं, जिसमें पराविद्या और अपराविद्या होती है। पराविद्या को हम आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। इसका संबंध धर्म से होता था। ये परा विद्या होती थी। इसके साथ ही साथ बालक को उसके सांसारिक जीवन के लिए उसको अपराविद्या या लौकिक जीवन के लिए सिखाई जाती थी, जिसके अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ उसको राजनीति, शस्त्रों की शिक्षाएँ, न्याय की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार से गुरुकुलों का पाठ्यक्रम धर्म और समाज दोनों का एक मिश्रण का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ हम गुरुकुल के दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। बालक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात वह गुरु के स्नान के लिए प्रबंध करता था। हवन के लिए जंगल से लकड़ियां लाता था। तत्पश्चात वह गायों को दूहता था। आश्रम की सफाई करने के पश्चात स्नान और हवन करने की तैयारी करता था। गुड़ और दूध पान के अल्पाहार के साथ वह अध्ययन कार्य में लग जाता था। इसके पश्चात वह भिक्षा मांगने हेतु गांव में जाता था और भोजन के उपरांत वह विश्राम करता था। संध्या के समय वह सांध्य वंदना और अध्ययन का कार्य करता था तथा गुरु सेवा करके रात्रि विश्राम गुरु के शयन के पश्चात करता था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, शिक्षण विधि की बात करते हैं। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में मौखिक थी, जिसमें वेदों को कंठस्थ करना होता था। वेदों को श्रवण करने के पश्चात विद्यार्थी स्वयं मनन करते थे, और श्रवण के पश्चात वे मनन के पश्चात निध्यासन अर्थात धारण करते थे। इसके साथ ही साथ बालक वाद विवाद, शब्दार्थ, शास्त्रार्थ के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करते थे। आवश्यकता पड़ने पर गुरु उन्हें उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से भी शिक्षण कार्य कराते थे।
इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की कलाएं और शस्त्रों की भी शिक्षा अभ्यास विधि के माध्यम से दी जाती थी। गुरुकुल की शिक्षा की बात करें तो वेदों को पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे। प्रत्येक वेद को पढ़ने में 12-12 वर्ष का समय लगता था। एक वेद को पढ़ने के पश्चात बालक को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। दो वेदों को पढ़ने के पश्चात उसकी वासु की उपाधि, तीन वेद वाले को रुद्र और चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य की उपाधि प्रदान की जाती थी। शिक्षा सत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो शिक्षा सत्र वैदिक काल में 6 माह का तथा उत्तर वैदिक काल में 12 माह का होता था। सावन मास की पूर्णमासी को सत्र का आरंभ होता था। प्रत्येक माह की प्रतिपदा पूर्णिमा और अष्टमी को अवकाश होता था। शिक्षण संस्थाओं का समय प्राप्त एवं सायंकाल का होता था। शिक्षण शुल्क और अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का शुल्क गुरुकुलों में नहीं लिया जाता था और परीक्षाएं मौखिक ही होती थी या गुरु जिस प्रकार का आदेश बालक को देते थे बालक वैसा करके दिखाते थे। जब उन्हें गुरु को लगता था कि इसकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, पारंगतता आ गई है, तो गुरु उनकी शिक्षा को पूर्ण मान लेते थे। अब हम शिक्षण संस्थाओं के बारे में बात करते थे। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था प्रायः गुरुकुलों में दी जाती थी, परंतु इसके कई प्रकार होते थे। ऋषि आश्रम, इसके अंतर्गत हम आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञों को देखते हैं जो गूढ़ रहस्यों को जानने तथा छात्र अपनी जिज्ञासाओं की शांति के लिए ऋषि आश्रम में जाते थे। टोल, टोल में संस्कृत शिक्षा दी जाती थी जिनमें एक शिक्षक होता था। चरण की बात करते हैं, चरण में वेदों के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी एक ही शिक्षक होते थे। घटिका की बात करते हैं, घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी जिसमें अनेक शिक्षक होते थे। परिषद, परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी जिसमें प्रायः 10 शिक्षक होते थे। इसी प्रकार विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी जिसमें अनेक शिक्षक होते थे। सम्मेलन, तत्कालीन राजा और महाराजाओं के द्वारा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों को बुलाया जाता था। वे अपनी अपनी बातों को रखते थे। इसके साथ ही साथ परिब्रज्याचार्य, जिन्हें हम भ्रमण करने वाले आचार्य के रूप में जानते हैं, उनका भी शिक्षा में योगदान होता था। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय और मंदिर विद्यालय में शिक्षण का कार्य चलता था। अब हम वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंधों के बारे में बात करते हैं। गुरु शिष्य संबंध तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत सरल, सुखमय और पिता पुत्र के समान था। गुरु शिष्यों के मध्य मधुर संबंध होते थे। गुरु की जो भी आदेश होते थे वह छात्र के लिए एकदम मानने योग्य ही होते थे। वह गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। जो भी छात्र गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता था उन्हें वह गुरुकुल से बाहर भी किया जा सकता था। इसके साथ ही साथ छात्र पिता और पुत्र के समान, अपने पिता के समान गुरु की आज्ञाओं का पालन करते थे और गुरु भी छात्रों को पुत्र के समान उनकी सेवा करते थे। बीमारी के समय में गुरुओं की ही जिम्मेदारी होती थी। गुरु छात्र के ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात गुरुकुल में प्रवेश के पश्चात से भोजन और उसके कपड़े आदि का प्रबंध करते थे। उस समय कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। दंड के संबंध में अगर हम विचार करें तो प्राचीन वैदिक शिक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं थी। बालकों को अनुशासित रखने के लिए गुरु अपने उच्च चरित्र और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दंड का आधार मनोवैज्ञानिक था। आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण पर अधिक बल दिया जाता था। वित्त व्यवस्था की बात करते हैं। गुरुकुलों में वित्त व्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करें तो कोई भी शुल्क बालक से नहीं लिया जाता था। प्रायः शिक्षा निःशुल्क होती थी। राजकोष से प्राप्त धन और जो भी धन भिक्षा के रूप में प्राप्त होते थे अथवा गांव के लोगों के द्वारा जो सहयोग होते थे, कुछ गुरुकुल 10-12 गांव से कर वसूली भी करते थे जिसके आधार पर वो गुरुकुल अपना चलाते थे। तो इस प्रकार से गुरुकुल पूरी तरह से राज्य पर आश्रित होते थे। कुछ खेती करके, कुछ जंगलों के माध्यम से और भिक्षाटन करके गुरुकुलों की वित्त व्यवस्था चला करती थी। आशा है आपकी आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।